नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम में हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन लोकसभा सीटों की जहां पहले चरण का मतदान होना है, जिसके बाद हम दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी नजर डाल रहे हैं। अभी तक हम शहडोल, बालाघाट, जबलपुर लोकसभा सीटों का समीकरण आपको समझा चुके हैं और आज हम सीधी लोकसभा सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी हाँ, सीधी लोकसभा सीट जहां बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। सीधी सीट से बीजेपी ने फिर रीति पाठक को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अजय सिंह पर विश्वास जताया है। सीधी लोकसभा सीट से जुड़े समीकरणों को समझने के लिए देखते रहिए हमारा यह कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। तो सीधी लोकसभा सीट का हम विश्लेषण करें, इससे पहले हम आपको बता दें प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का समीकरण समझा दें, जिसमें प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में अभी 26 सीटें बीजेपी पर हैं, बीजेपी के पास हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2015 में झाबुआ और रतलाम सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली, जिसके बाद बीजेपी के पास 26 सीटें अब रह गई हैं। अब बात करते हैं पिछले 10 साल से बीजेपी के कब्जे में रही सीधी लोकसभा सीट की। इस सीट पर 2007 में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के कुंवर सिंह, कांग्रेस के मानिक सिंह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हीरा सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस के मानिक सिंह महज 1586 वोटों की मामूली अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखा गया था। आपको बता दें त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखा गया था, जिसमें बीजेपी के उपचुनाव जब हुआ था तो बीजेपी के कुंवर सिंह, कांग्रेस के मानिक सिंह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हीरा सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। 2007 में यह स्थिति बनी थी और उसके बाद मानिक सिंह जीत गए थे। वहीं इस सीट पर 2 साल बाद 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी हार का बदला बड़ी जीत के साथ लिया। 2009 में बीजेपी के गोविंद मिश्रा, कांग्रेस के इंद्रजीत कुमार और बसपा से अशोक कुमार शाह के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी के गोविंद मिश्रा ने लगभग 45,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर ली थी। 2009 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2009 में बीजेपी के गोविंद मिश्रा का मुकाबला इंद्रजीत कुमार, कांग्रेस प्रत्याशी से हुआ था। बसपा से अशोक कुमार शाह इस सीट पर उतरे थे, मैदान में थे। इस रण में अगर जीत की बात करें तो गोविंद मिश्रा ने लगभग 45,000 वोटों के भारी अंतर के साथ जीत हासिल कर ली थी। अब 2014 की तस्वीर जान लीजिए। 2014 में सीधी लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी की रीति पाठक, कांग्रेस के इंद्रजीत पटेल और बसपा से रमा शंकर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पुष्पेंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया था, लेकिन साल 2009 के मुकाबले यहां से बीजेपी ने 2 गुने से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी की रीति पाठक ने लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, यानी 4 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ और जीत रीति पाठक को हुई थी, जो एक बार फिर मैदान में है। 1 लाख का भारी अंतर था जीत में। अब बात वर्तमान लोकसभा चुनाव की, तो इस बार फिर बीजेपी ने रीति पाठक को मैदान में उतारा है, विश्वास जताया है और कांग्रेस ने अजय सिंह को मौका दिया है। दोनों पार्टियों के लिए इस बार लोकसभा चुनाव आसान नहीं रहने वाले हैं, खासतौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रीति पाठक भले ही पिछला चुनाव जीत गई हो, लेकिन इस बार स्थानीय नेताओं का विरोध उनके लिए बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए भी इस सीट को जीतना बड़ी चुनौती होगी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद सीधी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं अजय सिंह, और अगर राजनीति की बात करें तो बने रहना चाहते हैं, शायद यही वजह है वो सीधी से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनके लिए ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। इस बार सीधी सीट पर कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला फिर देखने को मिलेगा।
अब बात उन बिग फेसेस की जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है अपने नेता को आगे बढ़ाना, तो बड़े चेहरों की बात कर लेते हैं। सीधी लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के पास मजबूत पकड़ वाले नेता हैं जिनकी इस लोकसभा में अहम भूमिका रहने वाली है। तो बीजेपी का बड़ा चेहरा सबसे पहले जानिए, जहां खुद रीति पाठक का नाम सबसे पहले आता है, जो बीजेपी के प्रत्याशी होने के साथ साथ वर्तमान में सांसद भी है। रीति पाठक एक ऐसा चेहरा है जो खुद के दम पर चुनाव जीतने की हिम्मत रखती हैं, लेकिन इस बार स्थानीय नेताओं का विरोध उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रीति पाठक बड़ा नाम बीजेपी का, लेकिन इस बार स्थानीय नेताओं का विरोध उनके लिए भारी। दूसरा नाम राजेश मिश्रा है, जो जिला अध्यक्ष हैं, इनकी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत पकड़ है। तीसरा नाम जान लीजिए, तो तीसरा बड़ा चेहरा है केदारनाथ शुक्ला। केदारनाथ शुक्ला जो वर्तमान में सीधी विधानसभा से विधायक हैं, तो विधायक की बात कितनी जनता मानती है देखने वाला विषय होगा। चौथा नाम जान लीजिए, बीजेपी का ही बड़ा चेहरा है चौथा नाम भी, गोविंद मिश्रा का नाम आता है यहाँ पे, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं। बिग फेसेस में बात कर रहे हैं अगर पांचवे चेहरे की, तो आता है नाम रुद्र प्रताप सिंह का। सबसे पहले इनकी बात अगर हम करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हैं। छठा चेहरा जो हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस का, कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, और इनकी कितनी अहम भूमिका है उनके नाम से ही जाना जा सकता है अजय सिंह को जिताने में। और अब हम सीधी लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या पर नजर डाल लेते हैं। यहां कुल 18,32,256 मतदाता हैं, जिनमें से 9,59,425 पुरुष मतदाता हैं, 8,72,806 महिला वोटर्स हैं, जबकि 25 थर्ड जेंडर मतदाता हैं, जो इस सीट पर प्रत्याशियों का भाग्य तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन मुद्दों को जानेंगे जिन पर चुनाव पर वोट पड़ते हैं। सीधी क्षेत्र के मुद्दों पर नजर डाल लीजिए, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बड़ा मामला। सांसद और विधायक के बीच विवाद भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, दोनों में ही नहीं बन रही तो आगे जनता का क्या विकास कीजिएगा। तो इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी रोजगार का मुद्दा अहम है और विधायक और सांसद दोनों में बनती नहीं है। और अब इस लोकसभा सीट का गणित समझ लेते हैं। सीधी लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 3 और कांग्रेस के पास 1 विधानसभा सीट है। इन समीकरणों से साफ है कि इस बार इस सीट पर जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है। तो देखा आपने किस तरह से हमने सीट का समीकरण आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन डेप्थ स्टोरी बहुत मायने रखती है। क्या कहती है सियासी स्टोरी इस सीट की, ये भी समझ लेते हैं। इस बार किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस से सीधी से अजय सिंह है जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। रीति पाठक एक बार फिर रिपीट कैंडिडेट है बीजेपी का, तो दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इनकी सीट और इनके पीछे की कहानी क्या कहती है वो भी समझ लीजिए, तो विश्लेषकों से जान लेते हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर सोमदत्त शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी जानकारी इनके पास है। हमारे साथ जुबेर कुरैशी जी जुड़े हुए हैं, न्यूज एडिटर है हमारे, इनके पास भी बहुत अच्छा गणित होता है राजनीति का। मनोज सर एक्सपर्ट पॉलिटिक्स में, जो राजनेताओं के साथ मिलते जुलते हैं, तो अंदर की बात बखूबी आपको समझाएंगे। इन्हीं तीनों के पास लिए चलते हैं और सबसे पहले शुरुआत हमारे सीनियर्स यानी सोमदत्त शास्त्री जी के साथ। सोमदत्त शास्त्री सर, कैसे देख रहे हैं आप सीधी सीट, जहां अजय सिंह एक बार फिर मैदान में है, विधानसभा चुनाव तो हार चुके हैं लेकिन पार्टी ने इनको फिर मैदान में उतारा है। जब विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए तो क्या सांसद का चुनाव जीतने की इनमें बखत होगी, क्या लगता है आपको? पारुल जी देखिए, अजय सिंह जी जिंदगी का आखिरी दांव खेल रहे हैं जी, और ये आखिरी दांव उनका ऐसा है कि इसमें अगर वो विजय हासिल कर लेते हैं तो उनकी राजनीति कायम रहेगी, वरना उनको राजनीति में भी बने रहने के लिए काफ़ी संघर्ष और पापड़ बेलने की नौबत आ जाएगी। वैसे भी उम्र का एक लंबा सिलसिला वो पार कर चुके हैं, तो ये दांव जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर जहाँ तक परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार ही उनको इस बार सीधी से जिता सकता है। दरअसल में क्या है, वो पहले से सतना पे दांव लगाए हुए थे, सीधी उनके निशाने पर ही नहीं था, सीधी को वो मान के ही नहीं चलते थे कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये अलग बात है कि उनका जो खुद का इलाका है, जहाँ पे वो माने जो जहाँ के वो रहवासी माने जाते हैं, वो इसी लोकसभा क्षेत्र के दायरे का गाँव है,
मैंने जो चुरहट जो है जिस जहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे और जहाँ से ये चुनाव उन्होंने विधानसभा का हारा है वो इसी इलाके का गांव है। लेकिन बड़ी विसंगतिपूर्ण बात यह है कि पिछले एक दशक के दौरान माने अब अर्जुन सिंह जी को ख़त्म हुए वर्षों गुजर गए हैं लेकिन उस इलाके में आज तक कोई ऐसा मॉन्यूमेंट तैयार नहीं हुआ, ऐसा कोई स्मारक तैयार नहीं हुआ जिससे जिसमें उस राजनीति के महापुरुष को याद रखा जा सके और जिसके बहाने लोगों तक उसकी याद को इस स्मृति को कायम रखा जा सके। तो जब हम इस स्थिति में हैं तो कैसे हम ये माने कि अजय सिंह के लिए ये मुकाबला बड़ा आसान होगा। पूरा बिंद इलाका जो है जिसमें किसी ज़माने में समाजवादियों का गढ़ और उसके बाद कांग्रेसियों का वर्चस्व हुआ करता था अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। अब वहाँ पे कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बाकी नहीं बचा है। आप देखिए कि रीवा से जो टिकट मिला है वो एक ऐसे बच्चे को मिला है जो कि जिसकी कोई वजूद नहीं है, माने रीवा में जो रीवा लोकसभा क्षेत्र से जो विधानसभा अध्यक्ष पूर्व में थे श्रीनिवास तिवारी जी उनके नाती को टिकट मिला है। तो जाहिर है कि कांग्रेस के पास अब चेहरों का अकाल वहाँ पे हो गया है और इनकी वजह से वहाँ कोई दमदार प्रत्याशी खोजने में उसको पसीना आ रहा है। तो सीधी के साथ भी कमोबेश यही बात लागू होती है। अजय सिंह जी के लिए एक बड़ी मुश्किल भरी चुनौती खड़ी हो रही। पारुल जी बिल्कुल सर, मैं स्टूडियो की तरफ आपके पास वापस लौटूं उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर आरबी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधी से बिलोंग करते हैं, उनसे जान लेते हैं। सर बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी थैंक यू। सर किस तरह से देखते हैं इस बार सीधीकरण, क्योंकि एक तरफ अजय सिंह हैं जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और रीति पाठक रिपीट कैंडिडेट यानी पहले सांसद रह चुके, एक बार फिर पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, तो क्या लगता है आपको कौन भारी पड़ने वाला है? क्षेत्रीय राजनीति की अगर हम बात करें तो यहाँ की जनता और यहाँ की राजनीति किस तरह से देखते हैं आप? सीधी जिला बेसिकली कुंवर अर्जुन सिंह का जिला था पहले, वो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और एक जमाना था जब उनके इशारे में यहाँ किसी को भी पार्टी टिकट दे करके जिता लिया करती थी जी। पर पिछले बार से दो बार से जो है यहाँ आप उसको तीन बार से ही कह सकती हैं जी। और यहाँ भाजपा का कब्जा था, पर अभी यदि अपन बात करें ये 2003 वाले सेशन की तो उस टाइम यहाँ चंद्र प्रताप सिंह भाजपा के सांसद थे पर वो ऑपरेशन चक्रव्यूह में फंस गए थे जिस कारण से उनका इस्तीफा हो गया था और बाई इलेक्शन हुआ था 2008 में, उसमें कांग्रेस ने मानिक सिंह को यहाँ से विजय दिला ली थी बाई इलेक्शन में। पर उसके बाद से फिर ये सीट जो है फिर से जो है 2009 का जो इलेक्शन हुआ वो भाजपा के पास चली गई। 2013 में जो इलेक्शन हुआ था वो उसमें भी भाजपा जीती जो अभी वर्तमान सांसद है यहाँ से। यहाँ एक्चुअल कांग्रेस की मुश्किल ये है कि यहाँ उसका जो संगठन है जी वो बड़ा कमजोर है, वो पूरे विंध्य का ही यही हाल है और सीधी में भी कांग्रेस का जो पार्टी के भीतर का संगठन है वो कमजोर है और पार्टी को पहली लड़ाई तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लड़नी पड़ेगी जी। सर जनता का मूड समझने की कोशिश करें तो जनता इस बार किसके फेवर में ज्यादा दिखाई दे रही है? जनता की मूड की बात करेंगे तो अभी प्राइमा फेसी जो माहौल है वो तो भाजपा का अच्छा है यहाँ जी, क्योंकि अभी जो हाल के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सीधी संसदीय सीट की यदि बात करें तो सीधी संसदीय सीट में सीधी जिले की चार विधानसभाएं आती हैं और सिंगरौली जिले की तीन विधानसभाएं आती हैं, साथ में जो शहडोल जिले की ब्यौहारी विधानसभा भी सीधी लोकसभा का ही हिस्सा है। तो इन यदि इस उस पर बात करें अपन आठ जो विधानसभाएं सीधी लोकसभा का हिस्सा है उसमें से सात में ऑलरेडी भाजपा का कब्जा है इस विधानसभा के अभी जो चुनाव हुए हैं दिसंबर में जी। एक सीट सिर्फ सिहावल की है जिसमें अभी जो वर्तमान में पंचायत मंत्री हैं कमलेश्वर पटेल उन्होंने जीती थी कांग्रेस से, तो सात सीटें भाजपा के पास पहले से ही यहाँ पे हैं जी। और पूरे प्रदेश में जबकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शिवराज फैक्टर ये वो जो कुछ भी था उसके बावजूद भी सीधी में भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था
पूरे विंध्य में ही अच्छा था, सीधी में भी बहुत बढ़िया था, सात ठीक है। यानी आप अगर हम इस व्यू को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बीजेपी ने इस एरिया में बनाया है। मैं लौटूंगी आपके पास सर, समय हो तो प्लीज बने रहिएगा। यहाँ हमारे साथ मनोज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुबर सर भी जुड़े हुए हैं। मनोज सर, आपसे जानना चाहूंगी क्या लगता है, अभी तक जितना भी हम पॉलिटिक्स को समझते हैं और साथ ही साथ सीधी की जनता का मूड भी हमने सर से जानने की कोशिश की, आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्या लगता है इस बार कितना, कौन सी पार्टी यहाँ पर ज्यादा बढ़त बनाती हुई दिख रही है, यानी कौन पसंद आ रहा है जनता को? देखिए, निश्चित रूप से अजय सिंह की प्रतिष्ठा का चुनाव है। दो दिन पहले जब उन्होंने सीधी की जनता से संवाद किया तो एक तरह से यही कहा था कि मैं एक आखिरी मौका चाहता हूं, अगर आप मुझे हरा दिया तो मेरा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा लेकिन आपका क्या होगा। चुरूट से वो चुनाव हार गए हैं। एक बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में जो कोल और कुर्मी मतदाता, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। जो कुर्मियों के जो बड़े नेता माने जाते थे इंद्रजीत पटेल, उनका पिछले दिनों देहांत हो गया, कमलेश्वर पटेल उनके बेटे हैं। दूसरी एक दिक्कत कांग्रेस के सामने ये हो गई है कि जिस प्रकार से टिकटों का वितरण किया गया है, चाहे वो रीवा हो, सतना हो या बाकी जो क्षेत्र हैं, कि वहाँ पे ब्राह्मण और ठाकुरों को प्राथमिकता दी गई है, तो इस तरह से जो कुर्मी वोट एक बड़ा वेट बैंक वो हो सकता है कांग्रेस से छिटक जाए, जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान अजय सिंह को उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के लिए रीति पाठक के साथ भी दिक्कत यही है कि जो गोविंद मिश्रा की जब बात कर रहे थे, खासतौर से अभी जो केदार शुक्ला हैं विधायक, वो लगातार उनके विरोध में है। लगातार अभी दो दिन पहले भी उन्होंने, कल भी एक शेर लिखा उन्होंने सोशल मीडिया पे, जिसकी भारी चर्चा है कि तलवार खूबसूरत कितनी हो मांगती लहू है, तो उसको जोड़ के जा रहा देखा जा रहा है कि शायद ये कमेंट उन्होंने रीति पाठक के खिलाफ किया है। रीति पाठक को उम्मीदवारी के वास्ते कई सारे बड़े नेता बीजेपी के इस्तीफे की पेशकश हुई। सिंगरौली जिला अध्यक्ष ने पहले इस्तीफा दिया, बाद में उन्हें मना लिया गया। तो इसके साथ ही जो हम बात करें गुटबाजी की, उस पर अगर जिसने कंट्रोल कर लिया उसको फायदा हुआ। दूसरी एक बात है, इस सीट से 2009 में वीणा सिंह, जो अजय सिंह की बहन है, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि वो तीसरे नंबर पर रही थी। अर्जुन सिंह की इच्छा थी कि उनको टिकट मिले लोकसभा का, लेकिन अजय सिंह इसके खिलाफ थे। इसके बाद भी वो, उनको बीजेपी से भी ऑफर था लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ी, हार गई थी। इस बार भी संभावना यही थी कि वो शायद बीजेपी उनको सामने लड़ा सकती विधानसभा अजय सिंह के, फिर खबरें आई कि लोकसभा लड़ा देगी, लेकिन परिवार के सामने हमने इसकी स्थिति में बीजेपी भी नहीं चाहती थी ना उनके परिवार के लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ देखने को मिले, क्योंकि जो माँ के साथ जो उनका प्रकरण हुआ है, सरोज सिंह और अजय सिंह की जो कहानियाँ चली हैं विधानसभा चुनाव में, मुझे लगता है उसका भी अजय सिंह को नुकसान उठाना पड़ा है। इस चुनाव में भी बीजेपी इस इमोशनल इशू को भुनाने की कोशिश करेगी। और शास्त्री जी ने जिस ओर ध्यान दिलाया कि अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज नेता, बिंद में दो बड़े नेता रहे, एक श्री सुंदरलाल तिवारी, दूसरे अर्जुन सिंह, दोनों की इतनी लंबी राजनीतिक विरासत है। तिवारी परिवार की तीसरी पीढ़ी मैदान में आ गई है, अर्जुन सिंह परिवार की दूसरी पीढ़ी मैदान में, और लगभग कई दशक से मैदान में। इसके बाद वो अर्जुन सिंह के लिए ऐसा कोई, जैसे सर ने कहा कि कोई एक मॉन्यूमेंट ऐसा कुछ नहीं बना पाए कि लोग उनके काम को याद रखें, जबकि उनको मध्य प्रदेश नहीं देश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। बिल्कुल। जुबिर सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से हम रीति पाठक के काम को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहां अगर अजय सिंह की भी हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इमोशनल जो टॉपिक शुरू हुआ और उससे भी अगर जोड़कर देखें तो बीजेपी के पास एक टॉपिक है, लेकिन बड़े चेहरे भी दोनों ही पार्टियों के पास लबालब हैं, तो बड़े चेहरे भी काम आएंगे। और अगर जिस तरह से मनोज सर ने भी कहा कि गुटिया राजनीति को, यानी अंदर के खाने की जो जो राजनीति है, जो असंतुलन है, उसको संतुलित कर लिया गया तो शायद रीति निकल जाएंगी। अजय सिंह के साथ भी कुछ इसी तरह है, अगर वो उन मुद्दों पर एक कॉर्नर बना पाए, एक ऐसा कॉर्नर जो उनकी तरफ सॉफ्ट रहे उसको बना पाए, तो शायद उनकी भी राह थोड़ी ठीक ठाक रहेगी। देखिए पारुल, जिस तरह से सुंदर शास्त्री जी ने, मनोज जी ने कहा कि आरएसएस यानी रीवा सतना सीधी एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, यहाँ पर दो ही नेता माने जाते थे, एक श्रीनिवास तिवारी, दूसरे अर्जुन सिंह। और जो अब भी इस चुनाव की बात आती थी, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, इन दोनों नेताओं में ही सबसे ज़्यादा उठापटक होती थी कि किसके पक्ष जो हुए है, किसके गुट को टिकट दिया जाए। लेकिन अब जिस शास्त्री सर ने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस एक तरह से पूरी तरह से अपना वजूद मिटा चुकी है, और जो रिजल्ट्स आए विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, राहुल सिंह की बात करें, अजय सिंह की बात करें, तो एक तरह से ये लग रहा है कि उनको किसी तरह से मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका जो राजनीतिक है या पॉलिटिकल करियर है वो ख़त्म करने की का पूरी प्लानिंग नज़र आ रही है। वो सतना से लगातार टिकट मांगते रहे, लेकिन उनको सतना से टिकट देने की बजाय सीधी से टिकट दे दिए गए। सीधी से जो पहले कमलेश्वर पटेल प्रदेश सरकार में मंत्री, उनके फादर इंद्रजीत कुमार दो बार चुनाव हार चुके हैं, रीति पाठक 1 लाख के करीब मार्जिन से चुनाव जीती है, और इतना बड़ा मार्जिन
पूरा भरना या उसको पूरा करना अजय सिंह के लिए तो बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। जो लोग विधानसभा चुनाव उसी क्षेत्र के में आता है चुरट, वहाँ से विधानसभा चुनाव हार गए, उनको लोकसभा का मेंबर बना देगा, जो करीब 8 सीटें तय करती हैं लोकसभा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है, कभी पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, साजिश की जा रही है। तो उन्होंने काफ़ी लोगों से आत्मीयता से वोट मांगा है और उन्होंने एक तरह से उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है कि अगर इस बार वो नहीं जीते तो उनका तो पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी या तो उन्हें कोई पद दे देगी या राज्यसभा मेंबर बना के भेज देगी, लेकिन उनका दुख कई बार झलक चुका है। जब उनको सीधी से कैंडिडेट बनाने की बात कही गई है या उम्मीदवार बनाने की बात की गई है तो उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि वो कहीं से और से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको वहाँ से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। लेकिन साथ भी ये कहा है कि जो हाईकमान के आदेश होंगे वो उसको मान्य करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है या कहा जा सकता है कि वो पूरी दिल के साथ पूरे दिल से वहाँ पर चुनाव लड़ने नहीं चाहते, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहते शास्त्री सर अजय सिंह, लेकिन पार्टी उन्हें मोहरा बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक ही सीट से फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, अभी कश्मकश में कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के पास चेहरे नहीं हैं और कहीं बीजेपी के पास गढ़ है, यानी उन सीटों पर लगातार जीतती आ रही है, उसके बाद भी बीजेपी वहां चेहरे नहीं उतार पा रही है। हालांकि हम सीधी की अगर बात कर रहे हैं तो सीधी में अब जिस तरह की हम चीजों को समझ चुके हैं, मुद्दा वहां पर रोजगार भी है और साथ ही साथ वहां विधायक और सांसद जो रीति पाठक हैं वर्तमान में उनके बीच तालमेल नहीं है, इसका भी हरजाना भुगतना पड़ता होगा जनता को। तो अगर लिटरेट वोटर की बात करें तो लिटरेट वोटर तो ये सारी चीजें समझता है, लेकिन अगर हम ग्रामीण जनता की बात करें या वहां कुछ ऐसे भी वोटर्स होंगे जिनको बहुत ज्यादा समझ नहीं होगी, जाहिर सी बात है उसका भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चुनाव पर। पार्वती देखिए, क्या है कि बिंद का जो इलाका है वो पूरी तरह से जातिगत समीकरणों पर बहुत निर्भर करता है। मनोज जी ने उनके जातिगत समीकरणों को एक तरह से रेखांकित करने का प्रयास किया है कि किस तरह से कुर्मी वोटर और दूसरे वोटर जो है वहाँ पे जातिगत समीकरणों में चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं। जहाँ तक आपने जिक्र किया है अपने अजय सिंह जी राहुल का, तो जैसा कि देखने में आए हैं पिछले वर्षों में, मैं लगातार महसूस करता हूँ कि उस क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और जो डेवलपमेंट हुआ है वो पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो सड़कें वगैरह बनी हैं वो हुई है। मैं कई बार उस क्षेत्र में जाता रहा हूँ और मैं ये पाया मैंने वहाँ पे कि कई घंटे यात्रा करके आप गंतव्य तक पहुँच पाते थे वहाँ पे, तो सड़कें तक वहाँ पे ठीक ठाक नहीं बनी हुई थी, पानी की सब व्यवस्था नहीं थी, पेयजल के साधन नहीं, अस्पताल नहीं, माने वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें जनता को है। तो जनता किसको चुने किसको नहीं चुने ये तो खैर उनकी रहमो करम पर निर्भर करता है। हाँ। पर जहाँ तक की स्थिति है राहुल की, तो अजय सिंह राहुल की, तो वो राहुल वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए ही वहाँ उस इलाके में जाते रहे हैं, उसके अलावा कभी वो कोई विशेष कार्यक्रम में गए हों ऐसा हुआ है, लेकिन क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हों ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति भोपाल केंद्रित है। तो इस बार उनको ये पता लगेगा कि जनता से कटे रहने का क्या नतीजा निकलता है। राहुल पारुल जी, चलिए बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का हमें समय देने के लिए। आरपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीधी से वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए हमें। तो हम बात कर रहे थे सीधी लोकसभा सीट की, अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है, क्योंकि जो शख्स यानी अजय सिंह साहब जो चाहते थे सतना से चुनाव लड़ना, वो अपनी फील्डिंग भी वहीं जमा रहे थे, लोगों से मिलना जुलना वहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें उतार दिया गया सीधी लोकसभा सीट से, जहां पहले से ही सांसद रीति पाठक हैं और उन्हें ही रिपीट कैंडिडेट यानी फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। विश्लेषण में यही समझ में आया कि यहाँ की जनता जातिगत समीकरण पर ज्यादा जाती है, यानी जाति पर ज्यादा वोट देती है। अब ऐसी स्थिति में दोनों ही कैंडिडेट आपके सामने हैं, क्या कुछ काम किया है इन्होंने, क्या कुछ नहीं किया है, मुद्दे रोजगार के भी हैं, पानी की समस्या भी है और साथ ही साथ सड़क की समस्या भी विंध्य क्षेत्र में है। अब ऐसे में ये दोनों ही लोग जब जनता के बीच पहुंचेंगे तो उन्हें किन मुद्दों का सामना करना पड़ेगा, किस तरह की नाराजगी देखनी पड़ेगी, क्योंकि रीति पाठक सांसद है, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो जाहिर सी बात है जनता उन्हें दिखाएगी ही अपने अधिकार का कितना उनका महत्व है। और ऐसी स्थिति में अगर अजय सिंह की भी बात कर लें तो अजय सिंह क्या वाकई उनके पॉलिटिकल करियर को दांव पर लगाने की तैयारी थी, क्या जो ऐसा उन्हें मान लिया जाए कि ऐसे नेता जिन्हें अगर जीतना है नहीं जीतना है वो बिलोंग नहीं करता, लेकिन उन्हें टिकट देना है ये ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, तो अगर ऐसा ही कुछ माजरा है तो बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं सीधी लोकसभा सीट में भी, लेकिन जनता किसे चुनती है किसे अपना मत देती है ये तो समय ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।